यूट्यूब में एक ऐसा भी बंदा नहीं है जो आपको ये पॉइंट बताया था इससे पहले। तो वो एक बार गिर गया था, यानी गिरने की पोजीशन में आ गया और फिर से खुद को संभाल लिया। ऐसा क्या हो सकता है दोस्तों? क्या उसके साथ कोई छोटा दोस्तों, लास्ट कुछ दिनों से कुछ दोस्तों का कहना यह है, वीडियो की कमेंट सेक्शन पे वो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में 100% सुशांत सिंह राजपूत के साथ और कोई था। आज के दिन में भी ये जो मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री ढका हुआ है, पर ये मिस्ट्री लोगों के सामने नहीं लेके आया जा रहा है जानबूझकर। और इस जगह पे दोस्तों उन लोगों की जो बात है, एक ही बात बार बार जब रिपीट किया जाते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। और साथ ही साथ उन लोगों का कहना यह भी था कि क्यों ना सुशांत सिंह राजपूत की वो वीडियो को, यानी 14 जून जब सुशांत सिंह राजपूत को उनके घर से बाहर लेके आया जा रहा था, ट्रॉली पे उठाया जा रहा था, वो जो वीडियो था वो दूसरे जो बिल्डिंग की जो एंगल था उस एंगल से जो वीडियो को शूट किया गया था, वो लोग सजेस्ट किया था मुझे वो वीडियो देखने के लिए। तो वो वीडियो देखने के बाद दोस्तों, जी हाँ मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ अलग ही लगा। नेचुरली क्या होता है कि कोई वीडियो को जब आप देखेंगे तो उसको एक फ्लो में देखने के बाद उसके बाद उसको आप एनालाइज करेंगे कि अल्टीमेटली वीडियो में क्या क्या था। पर मुझे लगा कि क्यों ना चलो उस वीडियो को मैं पॉज करके हर एक फ्रेम टू फ्रेम वीडियो को देखता हूँ। बेसिकली वीडियो बहुत ही लंबा था, पर फिर भी मैंने वो वीडियो को जब फ्रेम टू फ्रेम देखा तो मैंने देखा कि जी हाँ, जो शक है, यानी कुछ परसेंटेज लोगों का तो ये मानना था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ और भी किसी का पार्थिव शरीर था। तो वो वीडियो को मैं फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद कुछ ऐसा चीज मेरे नजरों में आया जो चीज मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं। आज के दिन में आप चैलेंज के साथ लिख लीजिए, यूट्यूब में एक ऐसा भी बंदा नहीं है जो आपको ये पॉइंट बताया था इससे पहले। यानी जो चीज मैंने नोटिस किया, ये चीज इससे पहले कोई नहीं नोटिस किया था, मैं आपको दिल ठोक कर कह सकता हूं। तो क्या चीज मैंने नोटिस किया? वो चीज यही था कि जब सुशांत सिंह राजपूत को ऊपर से नीचे लेके आके ट्रॉली में डाला जा रहा था तो उस टाइम पे मैं मान लेता हूं कैलकुलेशन के खातिर कि सुशांत सिंह राजपूत की हाइट था 6 फुट, तो उनकी वेट होगा नियर अबाउट 80 to 85 kg के आसपास। उस जगह पे जब एक 80 to 85 kg के आसपास की बंदे को ट्रॉली में उठाया जा रहा है तो उस जगह पे मैक्स टू मैक्स 3 जन की जरूरत होता है। तो उस जगह पे 7 जन आ गया, 7 जन आके ट्रॉली पे उठा रहा है, उस जगह में भी सही था, इस जगह पे भी लेके कोई भी क्वेश्चन मेरा नहीं है। मेरा क्वेश्चन इस जगह पे है कि ये वीडियो जब आप देखेंगे ना, तो उस जगह पे जब आप फ्रेम टू फ्रेम देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि एक बार ट्रॉली पे उठाने से पहले पहली बार जो अक्षय बंदकर एम्बुलेंस ड्राइवर था, तो एम्बुलेंस ड्राइवर की जो अटेंडेंट था लाल कैप पहना हुआ, तो वो एक बार गिर गया था, यानी गिरने की पोजीशन में आ गया और फिर से खुद को संभाल लिया। वो एक बार हुआ। और सेकेंड बार अक्षय बंदकर गिरते गिरते खुद को संभाल लिया, मानो कि दोनों की जो गिरने की जो पैटर्न है वो पैटर्न देख के आपको ऐसा ही लगेगा कि बहुत ज्यादा लोड अगर आप उठा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जितना फोर्स देना चाहिए, जितना प्रेशर आपके ऊपर आएगा, उस प्रेशर की वजह से आप बैंड हो जाएंगे। ये लिटरली कभी अगर संभव हो तो 40-50 किलो की कोई भी सामान को आप उठाने के टाइम पे कोशिश करके देखिएगा कि आप बैंड हो जाएंगे। और जिस जगह पे अक्षय बंदकर इतना तगड़ा, इतना हेल्दी एक बंदा, वो भी उस लोड को कैरी नहीं कर पा रहा है, वो भी गिर जा रहा था। इस जगह पे अगर लीगली देखा जाए तो अक्षय बंदकर अकेला ही काफी है सुशांत सिंह राजपूत को उठा के ट्रॉली में डालने के लिए, बस किसी की कोई जरूरत नहीं। पर अक्षय बंदकर खुद ही गिर जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत को, बाकी 5-6 जन की सपोर्ट रहते हुए भी वो लोग गिर जा रहे हैं। तो क्या वो 85 किलो के साथ और भी 40-45 किलो ऐड हो गया था, जिसके वजह से जो लोड है वो लोड क्या 1 क्विंटल 25-30 किलो हो गया था, और जिसके वजह से लोग उसको उठा नहीं पा रहे थे। मतलब क्या था अंदर सुशांत सिंह राजपूत के साथ और क्या हो सकता है? क्यों एक 80 किलो की बंदे को ट्रॉली में डालने के लिए लोग गिर पर जा रहे हैं? ऐसा क्या हो सकता है दोस्तों? क्या उसके साथ कोई छोटा बच्चा तो नहीं था? और इस जगह पे अभी मेन वाइटल सवाल आते हैं कि वो वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा मेरा आंखें खुल चुका है कि अगर कोई बच्चा था तो वो बच्चा था कहां पे? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जिस घर में था, यानी सुशांत सिंह राजपूत की पार्थिव शरीर जिस घर पे मिला,
उस घर में तो हमें डेफिनेटली ये बात एकदम आपको मानना ही होगा, कितना भी आप थ्योरी लेके आए, पर ये बात मानना ही होगा कि उस घर में कुछ नहीं था, पर ट्रॉली पे उठाने के टाइम पे कोई ना कोई था, यानी सुशांत के साथ और कोई था। तो वो कौन था और कहाँ था? अगर सुशांत के घर में नहीं था तो वो कहाँ था? किस जगह से पुलिस वाले और एम्बुलेंस अटेंडेंट उसको बाहर निकल के आए और सुशांत के साथ रैप कर दिया? तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की दूसरा कोई घर में किसी को रखा गया था? और अगर इस जगह पे मेरी क्वेश्चन की आंसर आप हाँ देते हैं तो डेफिनेटली इस बार सबसे बड़ा क्वेश्चन आने जा रहा है। वो क्वेश्चन यही है कि अगर सुशांत के साथ कोई छोटी बच्ची थे तो फिर अस्पताल में तो डेफिनेटली वो दोनों को एक साथ नहीं लेके जाया गया था। तो क्या रास्ते में कहीं पे एम्बुलेंस को रुका गया था? क्या रास्ते में कहीं पे दोनों को सेपरेट किया गया था? नहीं तो 16 मिनट की रास्ता 40 मिनट क्यों लगता है? तो मैं तो थैंक्स कहना चाहूंगा उन लोगों को कि जो लोग दोबारा मुझे रिक्वेस्ट किया था उस वीडियो को देखने के लिए, और मैंने जब उस वीडियो को फ्रेम टू फ्रेम देखा तो मैं यही पाया कि उस दिन कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा था। हालांकि लोगों को देख के लग सकता है कि हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है, पर जब आप फ्रेम टू फ्रेम को एनालाइज करेंगे तभी जाके आपके आंख में वो डिटेल आप पकड़ा पाएंगे कि अल्टीमेटली ये जगह पे गलती है। यानी एक व्यक्ति को ट्रॉली पे उठाने के टाइम पे दो जन गिरने की पोजीशन में नहीं आ सकता है जब उसकी वेट ओनली 80-85 किलो की अराउंड है, और वो गिरने की पोजीशन तभी हो सकता है जब लोड बहुत ज्यादा हो, यानी एक क्विंटल को ओवर कर गया हो, तब जाके ये सब पोजीशन आ सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आप में से जो लोग मुझे कह रहे थे कि इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए, तो मैं तो देख के मेरा राय आप लोगों के सामने रखा। पर हाँ, इस जगह पे और एक बात कहना है कि अगर मेरी क्वेश्चन के आंसर आप लोग हाँ देते हैं कि सुशांत के साथ और भी कोई व्यक्ति था, तो फिर रास्ते में कौन सी जगह पे कहाँ किसकी कहने पर कितना टाइम से लेके कितना टाइम तक क्या क्या हुआ है, सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो पर। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग प्लीज आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।